हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के टेलीग्रंट न्यूज़ अफेयर में। आज अपनी परिचर्चा का विषय है ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन। 13वां वर्ष 2021 के लिए 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा। इस बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। यह तीसरी बार है जब भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भारत ने वर्ष 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता की थी। बता दें कि ब्रिक्स विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना तथा साउथ अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है जो ही ब्रिक्स बना है। नवंबर 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते इसका आयोजन रूस की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में किया गया था। यह पहला मौका था जब भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति गलवान घाटी प्रकरण के बाद एक ही मंच पर आमने सामने आए थे। बता दें कि 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से एक बहुपक्षीय विकास की बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की स्थापना की घोषणा की गई थी। भारत के KV कामथ इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। हाल ही में बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे को ब्रिक्स देशों के इस बैंक में नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी कि BRIC के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक के दौरान इस समूह का निर्माण हुआ, जबकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद यह BRICS यानी कि ब्रिक्स कहा जाने लगा। यह कोई संगठन नहीं बल्कि 5 देशों के सर्वोच्च नेताओं की एक वार्षिक सम्मेलन है। हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए धन्यवाद।